पीछे हमारे मौलाना नियमतुल्लाह साहब कासमी दामत बरकातुहुम तशरीफ रखते हैं। उन्होंने खुद एक जुमला कहा था कि यंग ब्लड हूं मैं माशाल्लाह। तो अब थोड़ी सी हजरत से माजरत चाह के मैं कुछ, चूंकि ये मेरे हरकात सकनात इस मुशायरे में जरूरी है ये सब करना। और महिबुल्ला भाई आपके हवाले से एक शेर पढ़ रहा हूँ। कैसर अली राणा ने मूड बना दिया, रोटी जलना पता नहीं क्या क्या जला रहे थे ये। तो एक शेर इजाजत हो तो दाग दूं, तैयार है? धूप खाना छोड़ लपकी सुर्खियां जल जाएंगी, अल्लाह आग से मत खेल वरना उंगलियां जल जाएंगी। थोड़ा अच्छा लगे तो और देखेंगे। अब देखिए रोटी जलाने का तरीका मेरा, माहिर साहब, माहिर भारती उस शायर का नाम है हमारे बिहार के अंदर। यहाँ पे सब बहुत सारे साहिब कलम हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 10 या 5 मिनट का वक्त दे दिया जाए और मुकम्मल गजल कहनी हो या मुकम्मल कसीदे कहने हो या मुकम्मल नज्म लिखनी हो, तो मेरा दावा है कि माहिर भारती से ज्यादा जहानत किसी का काम नहीं। क्या बात! मैंने जिसको झुककर अकीदत से सलाम किया है और जिनके फन को तस्लीम किया है वो माहिर भारती का नाम है। लेकिन इनकी सादगी के बारे में क्या कहूँ मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। एक बात मैं बताऊं, हाँ मैं सादगी के बारे में कह दूं, मछली शहर जौनपुर शिराज़े हिंद जिसे कहते हैं, वहाँ एक बहुत बड़ा कमेटी का मुशायरा हुआ करता है। उसमें जो अव्वल नंबर लाते हैं उसे कम से कम 2 से 3 लाख रुपया दिया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ जाकर कई साल बैक वक्त जाकर ये माशाल्लाह अपने नंबरात हासिल किए और बिहारी खूंटा गाड़ के वहां से मैं चला आया। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि माहिर साहब का मैंने फर्स्ट एसी में टिकट करवा दिया, ठीक है, एसी में। तो देखा मैं दूसरे डब्बे में था, मैंने कहा माहिर साहब उसमें चढ़ जाइए, अगले स्टेशन पे जौनपुर जब हम उतरेंगे तो आप मेरे साथ हो जाइए। तो मैं सो के जब अपनी नींद पूरी कर लिया तो मेरे दिल में ख्याल आया कि भाई आप जा रहा हूँ, माहिर साहब को उठा दूंगा, सो रहे होंगे। मैं गया तो देखा एकदम कोने में एकदम दुबुक के बैठे हुए हैं और वो जो चादर एक चादर बिछाने को, एक ओढ़ने को, एक तकिया, एक तावल, एक कंबल, ये तमाम कोने में रखे हुए थे, ठंड का मौसम था। हमने कहा माहिर साहब ये क्यों रखे हुए हैं? करे मुजाही साहब बहुत ठंडी है, बेचारे लोग कहाँ धुलेंगे, इसलिए मैंने इनको इस्तेमाल ही नहीं किया। सादगी का ये आलम है, ठीक है, ठीक है। तो ये इनकी सादगी है, अल्लाह ताला सलामत रखे। माहिर साहब माहिर है, अल्लाह ने महारत दी है इनको, बड़े भाई को। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, यकीन जानिए मैं माहिर साहब से, माहिर साहब की खातिर मैं अपने घर में 2 डांट हर हफ्ते सुन लिया करता हूँ अपने वालिदैन से। पता नहीं क्यों दिल पे इतना कब्जा किया माहिर साहब ने मेरे घर पे कि 2-3 मरतबा डांट मुझे सुननी पड़ती है सिर्फ माहिर भाई की वजह से। शेर देखिए मेरे दोस्तों, के धूप खाना छोड़ लपकी सुर्खियां जल जाएंगी, आग से मत खेल वरना उंगलियां जल जाएंगी, घर में चूल्हा है जला, सामने बैठी हो तुम। शेर देखिएगा महबूबुल्लाह भाई, घर में चूल्हा है जला, सामने बैठी हो तुम, देखते ही खो न जाना रोटियां जल जाएंगी, देखते ही खो न जाना रोटियां जल जाएंगी। ये तेवर का शेर था, ये अलग था। अब एक शेर और सुनिए और उसके बाद भागलपुर से एक शायर आए हुए हैं, इनकलाबी शायरी के हवाले से वो जाने जाते हैं। महबूबुल्लाह भाई का बार बार इसरार हो रहा है, इनकी बातों को अगर मैं काटता हूं तो मेरा लिफाफा खतरे में पड़ सकता है, लिहाजा इनके हुक्म की तामील मुझे करना पड़ेगा और इनके हुक्म को तोड़ना मेरे लिए खुदकुशी करने के बराबर है। शंकर कैमूरी साहब, शेर देखिए और जीशान तक पहुंचने की कोशिश कीजिए कि रख देंगे तेरे जुल्म की दुनिया समेट कर। शेर देखिए हजरत, शुक्रिया। ये इंशाल्लाह फ्रेम में सजा के रखूंगा, मौलाना की तरफ से मिला, माशाल्लाह। अल्लाह का इतना बड़ा एहसान है कि न जाने कितने ममालिक को अपने कदमों से रोंद चुके हैं, मदारिस की बरकत अल्लाह ताला खूब सलामत रखे हजरत को। रख देंगे आपके माजिद भाई कहाँ चले गए भाई, नरपतगंज वाले, आप भी लिए बैठे हैं माशाल्लाह, आप तो शेर अच्छा पढ़ो। हाँ अनिल भाई और दिगर तमाम लोग आज के इस मुशायरे में जो हाथ बटाए हैं, भाई इस्माइल साहब, भाई अब्दुल्ला साहब और भाई मुजाहिद साहब, और मुजाहिद एक निजामत, तीन मुजाहिद यहाँ पे हैं। पहली मर्तबा ऐसा इलाका देख रहा हूँ जहाँ मुजाहिदों की तादाद बहुत है, है कि नहीं? हाँ, एक मुजाहिद को मुजाहिद की नजर से देखो। अब शेर देखिए मेरे दोस्तों, मैं पढ़ रख देंगे तेरे जुल्म की दुनिया समेट कर,
हम उठ गए जो अपना मुसल्ला समेत कर। तालियां ठोकिए भाई, नहीं तो कूद जाऊंगा माइक लेकर। हाँ बहुत अच्छे भाई। रख देंगे तेरे जुल्म की दुनिया समेत कर, हम उठ गए जो अपना मुसल्ला समेट कर। हम बोलने लगे तो संभाले न जाएंगे, इज्जत से रख लो आप ये लहजा समेट कर। हम बोलने लगे तो संभाले न जाएंगे, हम बोलने लगे तो संभाले न जाएंगे, इज्जत से रख लो आप ये लहजा समेट कर।